ऐसे कितना चल लेते हो? मैक्सिमम 2 मिनट। चलिए चलते हैं। अब कहाँ से कहाँ तक दर्द है आपको? यहाँ से नीचे तक जा चुका है। मतलब यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ये पीछे ये जा रहा है सर। हाँ, ये अब यहाँ बीच में नहीं है, फिर यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे साइड में आता है, ऐसे जाता आगे नहीं जाता, आगे ये पोर्शन रहता है ये। और नीचे सोल में भी जा रहे हैं, तलवे में सुन लग रहे, सुन लग रहे। फिर होता है, लेकिन जब चलते हैं तो सुन जैसा हो जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे रूई जैसी आ गई। लेकिन आराम करते हैं तो ठीक हो जाता है। अब लेटा हूँ कुछ देर के लिए ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ पे भी पेन स्टार्ट हो जाता है। लेटे लेटे भी शुरू हो गया, रात को होता है ये प्रॉब्लम। मैं सो नहीं पाता हूँ, मुझे करवट लेनी पड़ती है सर। जब मैं करवट लेता हूँ तो यहाँ से मुझे पूरे यहाँ पे पेन महसूस होता है कि पेन है, और यहाँ मैं हल्का सा भी टच करूँ तो मुझे लगता है कि जैसे सुन हो चुकी है। तो नींद में डिस्टर्बेंस हो रही है? हाँ, अब 3-4 दिन से हो रही है सर, पहले नहीं होती थी। 3-4 दिन से ढंग से सो ही नहीं है? 3-4 दिन से नहीं सो पाता। बेड चेंज करना पड़ता है, कभी नीचे कभी ऊपर, रात को सो नहीं पाता। इस पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे पहले, इसमें कोई दिक्कत? अब ये आप उठा रहे हो ना, तो इस तरफ हल्का सा 45 डिग्री पे वेल लेग रेज टेस्ट है, यानी कि इसको हम लिफ्ट करें तो उस साइड पे। हाँ, यहाँ होता है। जी। अच्छा, अब इसको उठाते हैं, यहाँ से पेन स्टार्ट हो जाता है। अराउंड 20 डिग्री पे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। पंजे को ऊपर खींचिए, अपनी तरफ खींचो, ठीक है। अच्छा, थोड़ा ऊपर हो जाओ, आपकी लंबाई के हिसाब से छोटा बेड हमारा। मेरे हाथ को नीचे धक्का दो। तो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है रविंदर को, सिर्फ SLR पॉजिटिव है, पेन है, वॉकिंग में पेन है, लेटने में पेन है। तो एक्चुअली ये सही स्टेज है ऑपरेशन कराने की। और ये लास्ट 1 वीक से बढ़ गया सर। 15 दिन पहले मैंने जब आपको बताया था, ट्रीटमेंट लिया था, तो नॉर्मल हो गया था। मैं वॉक के लिए जा रहा था 4 किलोमीटर भी, और लास्ट वीक से तो 50 मीटर भी नहीं चल पा रहा। लेकिन यूरिन ठीक आ रहा है? यूरिन मेरा परफेक्ट आ रहा है। तो ये सही स्टेज है, जब पेशेंट एक बार हमारे पास आता है जब फुट ड्रॉप हो जाए। रविंदर का MRI हम देख रहे हैं सर्जरी से पहले, तो इसमें आप देखेंगे कि ये हमारी नर्व्स हैं जो स्पाइन में नीचे पैरों की तरफ जा रही है, ये बोन्स हैं L3, L4, L5, S1, और ये जो डिस्क है L5 और S1 के बीच में, ये पूरी बाहर आ गई है, और इसने ये रास्ता बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। इसी वजह से पेशेंट को सिम्टम्स हैं राइट लेग में। अब एक्सियल सेक्शन में हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड में सिम्टम नहीं है, सिर्फ राइट में क्यों है। तो पहले हम देखते हैं एक नॉर्मल डिस्क, ये ब्लैक कलर की डिस्क है इस तरह से, ये स्पाइनल कैनाल है, और ये फोरामेन है लेफ्ट साइड और राइट साइड, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन जब हम L5S1 पे जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो ब्लैक कलर का मटेरियल आपको दिख रहा है, ये डिस्क मटेरियल है, यानी कि डिस्क यहाँ से निकल कर बाहर आ गई है, और ये पूरा लेफ्ट साइड राइट साइड पूरा ब्लॉक्ड है। लेफ्ट में अभी भी स्पेस है, आप देखिए नर्व के जाने के लिए अभी जगह है। तो हमें एंडोस्कोपिकली यहाँ तक जाना है, सिर्फ इस मटेरियल को निकालना है। इसमें ना तो हम बोन को डैमेज करेंगे, ना ये जो मसल्स हैं इनको डैमेज करेंगे। तो इसका फ़ायदा क्या है कि एक तो ब्लीडिंग नहीं होती है, पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं होता है, और पेशेंट 2 से 3 घंटे में नॉर्मल चलना शुरू कर देता है। इनको हम एंडोस्कोपिकली इसीलिए करते हैं क्योंकि यंग पेशेंट होते हैं, इनको बहुत सारे काम करने हैं, बाइक चलानी है, वजन उठाना है, जॉब पे जाना है। तो अगर इनमें ओपन सर्जरी करेंगे तो ये पेशेंट्स बहुत लंबे समय तक बेड पे रह सकते हैं, इनके काम का नुकसान हो सकता है, ये औरों के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो हम अपने पेशेंट्स को जितना जल्दी हो सके इंडिपेंडेंट करते हैं, पेन फ्री करते हैं, और एक तरह से जो स्पाइन सर्जरी का डर है लोगों के मन में, हम उसको खत्म कर रहे हैं। थैंक यू। चार दिन हुए काफी सीवियर पेन में थे जब आए थे, तो तकलीफ ज्यादा थी।
और अब इनका हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं आफ्टर सर्जरी। आपको राइट लेग में पेन? राइट में। अच्छा, इसको उठा रहे हैं, कोई दर्द? कोई दर्द नहीं है, क्योंकि पहले हम इसको उठा रहे थे तो आपको यहाँ पेन होता था, और इसको उठाने में ये पंडित तक यहाँ तक ही जा रहा था बस, अभी जा रहा था। कितना ही पहले 20 डिग्री था, अभी ऑलमोस्ट 45 डिग्री आ गया, और भी जा सकते, और भी जा सकते। अच्छा, मैं ये आपको हाथ लगा रहा हूँ, आप यहाँ सुन बता रहे हैं थोड़ा सा? हाँ, लास्ट की तीन उंगलियाँ यहाँ पे थोड़ा सुन है। पंजे ऊपर खींचे अपनी तरफ, नीचे दबाइए, मसल पावर अच्छी है लेकिन नमनेस है थोड़ी सी इस एरिया में, और ये कुछ महीनों में धीरे धीरे सेटल हो जाएगी। एक बार ड्रेसिंग आपकी देखते हैं उल्टा लेके, और ये हम साइज देख रहे हैं इंसीजन का, जो हमारी एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमीज होती हैं, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर इंसीजन, बिल्कुल क्लीन है, 4 डेज हैं, और ये लास्ट ड्रेसिंग हम कर रहे हैं। 5 डेज के बाद ड्रेसिंग चेंज जरूर करेंगे, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इट्स ए वेरी सिंपल ड्रेसिंग, पेशेंट को बार बार ड्रेसिंग करना या फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ एंडोस्कोपिक सर्जरी, कि पेशेंट का सर्जरी का जो इवेंट है वो बहुत ही माइनर हो जाता है, क्योंकि जनरली हम सोचते हैं कि स्पाइन सर्जरी है तो लंबा बेड रेस्ट, बार बार डॉक्टर से मिलना, बार बार ड्रेसिंग करना, स्टिच निकालना, ये सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, बट एंडोस्कोपी में ये सब चीज़ें हमने डिलीट कर दी हैं। आइए जी, आपके क्या कमेंट है? जैसे बहुत सारे लोग हैं आपकी एज ग्रुप के जिनको ये प्रॉब्लम है, वो डरते हैं सर्जरी से, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं भी सर स्टार्टिंग में जब इस सर्जरी के लिए मैंने सुना था तो एक मेंटली ये आता है कि कहीं पैरालाइज ना हो जाए, सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, नॉर्मल रूटीन आएगी या नहीं आएगी। पर मेरे रिलेटिव ने भी आपसे दिवाली के टाइम पे सर्जरी करवाई, तो उससे बात करने के बाद और आपकी जो मैंने एक्टिविटीज और उसमें देखा था, बिहेवियर देखा, तो मैं काफ़ी पॉजिटिव था। मैं घर से माइंड बना के ही चला था कि मुझे करवानी ही है और सर से ही करवाना है ऑपरेट, और जैसे ही मेरा ऑपरेट हुआ मैं 24 आवर्स भी नहीं बैठे, मैं नॉर्मली फिट करा, मैंने वॉक भी किया है, और अभी 3 या 4 डेज में मैं वापस आ रहा हूँ, तो मेरी काफ़ी बेटर कंडीशन है, मैं वॉक पहले से कर रहा हूँ, जैसे लगा पहले वाली रूटीन वापस आ गई। बिल्कुल, तो एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी ना, जो डर था स्पाइन सर्जरी का वो खत्म कर दिया, मतलब आपको जो काम करना है वहीं पहुंचेंगे, आसपास मसल बोन किसी भी चीज़ को हम डैमेज नहीं करें, उसी वजह से आपकी रिकवरी फास्ट है। वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कल को आप जिम करना चाहें, साइकिलिंग करना चाहें, बाइक चलाना चाहें, ये चीज़ें आप कर सकते हैं विद एंडोस्कोपी, ओपन में नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एंडोस्कोपी में हम आपकी बोन और मसल को डैमेज नहीं करें, तो ये बड़ा एडवांटेज है। और सबसे बड़ी बात जो आप पैरालिसिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम एंडोस्कोपी करते हैं हमें 20 टाइम्स मैग्नीफाइड एक स्क्रीन पर दिखती हैं चीज़ें, और जब इतनी बड़ी चीज़ दिखती है तो उसमें एरर के चांसेस नहीं रहते। अगर इंसान अपने सिर्फ नेकेड आई से काम करता है तो उसको उतनी ही चीज़ दिखती है जितना उसका एक्चुअल साइज है, और नर तो बिल्कुल ऐसे थ्रेड जैसी होती है, तो डैमेज के चांसेस रहते हैं, बट जब इतने बड़े स्क्रीन पर आप देखते हैं चीज़ को तो फिर गलती नहीं होती है। एंड बिकॉज ऑफ द फेथ, जो रविंदर जैसे बहुत सारे लोग हमारे पर विश्वास करते हैं, हम इतने सारा हमारा सिस्टम अब ऐसा बन चुका है, इतनी सारी सर्जरीज हो चुकी हैं कि हमारा पूरा सिस्टम रिफाइंड हो चुका है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम होता है। एक सेंटर पर जब एक ही सर्जरी बार बार होती है तो उसमें नेचुरली चीज़ें बड़ी स्मूथ हो जाती हैं, पेशेंट को भी फेथ करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, जैसे हमारे केस में भी पेन एक बार दोबारा हो गया था, लेकिन आपने फेथ नहीं छोड़ा, आप मेरे साथ थे, आपने कहा ठीक है सर, जो ठीक लग रहा है बिल्कुल। और जब आप ये चीज़ दे देते हो ना हमें, ये हक दे देते हो कि आपने जो करना है करो, तो हमारी ताकत डबल हो जाती है, तो फिर कोई चीज़ रुकावट नहीं बन सकती। रिजल्ट सामने, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ट्रस्ट एंड फेथ। आपका नाम है? जितेंद्र। पेशेंट का नाम से याद है।